हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान पान और पकवान में। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ रसियाव यानी कि गुड़ की खीर की रेसिपी। तो यह छठ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसाद है जो कि बनता है छठ के दूसरे दिन। जैसा कि आप जानते हैं, छठ बिहार का एक महापर्व है और 4 दिन तक मनाए जाने वाला यह त्यौहार बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। तो उसके दूसरे दिन की रेसिपी है ये गुड़ की खीर। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 1 केजी चावल के साथ। 1 केजी चावल लिया है मैंने मैंने लिया है बहुत ही जो छोटे दाने वाले चावल आते हैं उसे मैंने लिया है, जिसे धोकर मैंने भिंगो के रख दिया है करीब 20 मिनट पहले। और साथ में मैं ले रही हूँ 1 किलो गुड़ प्लस 2 लीटर दूध जिसे मैं रिड्यूस कर चुकी हूँ बॉयल करके, और प्लस पानी जिसमें चावल गलाएंगे, और ड्राई फ्रूट्स एंड इलायची पाउडर। तो चलिए मैं बताती हूँ इस स्वादिष्ट सी रसियाओं की रेसिपी, जो कि है गुड़ की खीर की रेसिपी, छठ के दूसरे दिन के प्रसाद की रेसिपी। गुड़ की खीर, यहाँ पे गुड़ और पानी उबाल रहे हैं हम, इसको रसियाओं भी कहते हैं। तो ये देखिए, करीब 1 किलो गुड़ 1.5-2 करीब लीटर पानी के साथ अच्छे से उबल चुका है। तब इसमें मैं धुला हुआ चावल डाल दे रही हूँ, सोक किया हुआ था 20 मिनट से, इसे ऐसे डाल देते हैं। तो इस तरह से तैयारी चल रही है। और यहाँ देखिए, दूध भी उबाल के रखा गया है, यहाँ पे दूध भी उबाल के रखा है हमने। तो दूध जब खीर, गुड़ की खीर जब तैयार हो जाएगी तब उसमें हम डाल देंगे दूध, और इसको आपको चलाते रहना है। तो इसे आप डालकर एक बार ज़रूर चला लें। ये खीर बन रही है गुड़ में, तो ये चावल ज़रा देर से गलता है गुड़ की खीर में। अगर गुड़ में चावल पकाते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जब बना रहे हो तो ध्यान रखें, आपके शाम का क्या समय है खीर खिलाने का लोगों को, उस हिसाब से आपको बनाना चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा समय लगाकर इसे पकाना चाहिए। तो पहले जब ये पक जाएगा खीर, पक जाएगा चावल इस गुड़ में, गुड़ के पानी में, तब हम डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध रिड्यूस करके कर लिया है। करीब 3 लीटर दूध मैंने लिया था, जिसे रिड्यूस करके 2 लीटर के बराबर बना लिया है। तो ये बन रही है खीर, और देखिए मैं इसका अंदाज़ा कैसे करते हैं। ये देखिए, ये चावल है, चावल खीर का चावल, तो ये गला नहीं है, बिल्कुल गला नहीं। आप कह सकते हैं इसको, जैसे ये 70% पक चुका है, तो आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं और ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुड़ है और ये ऑलरेडी बहुत देर तक गर्म रखेगा गुड़ इसको, और वो उसी की गर्मी से ये पक जाएगा। और आप इसको ढक के रखेंगे, जब आप इसको उतारेंगे तो इसको ढक के रखेंगे, राज भी ठंडा हो जाए, तब इसमें हम दूध मिला देंगे और आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसीजर। इसको उठो, आधा घंटे ओके, आधे घंटे के बाद बिल्कुल चावल पक चुके हैं। ये देखिए, चावल एकदम पक चुका है और ये तैयार है। बस अब इसको ठंडा करना है और इसमें दूध डालना है। तो आइए दिखाती हूँ अभी खीर की क्या कंडीशन है। ये देखिए, हमने उसे छोड़ा था करीब 70% पकने पे, अब देखिए बिल्कुल गल चुका है ये, इसी गुड़ के पानी में बहुत गल जाता है, बहुत गर्म होता है। अब देखते हैं, एक बार मिक्स कर लेते हैं। करीब आधा घंटा से 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको ऐसे ठंडा करते हुए। ये देखिए, अब हल्का गर्म है, गर्म है ये, पर ये हल्का गर्म है। तो अब इसको क्या करूँगी मैं, इसमें दूध मिक्स कर देती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। तो चलिए, जब गुड़ के पानी के साथ चावल बिल्कुल पक चुका है, तब इसमें जो रिड्यूस किया हुआ मिल्क है, जो मैंने फुल क्रीम मिल्क लेके रिड्यूस किया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो आप अपने अंदाज से दूध डाल सकते हैं और उसको चलाकर देख सकते हैं कि किस कंसिस्टेंसी में आपको खीर चाहिए। तो जितनी भी, जिस भी कंसिस्टेंसी में आपको खीर चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें दूध डालिए और इसको हल्के से मिक्स कीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए ढेर सारी इलायची का पाउडर और डाल दीजिए अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। देखिए, थोड़ा थोड़ा अंदाज करके दूध डालती जा रही हूँ, फिर मैं इसको चलाती जा रही हूँ, और फिर दूध मिक्स कर रहे हैं और फिर इसको चलाती जा रही हूँ। तो इस तरह तैयार हो जाती है यह स्वादिष्ट सी खीर,
या रसियाओ भी इसे कहते हैं। ये है छठ का प्रसाद, दूसरे दिन का प्रसाद, और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से अंदाज करते करते आप दूध डालिए, और बहुत सारे लोग तो इसे गन्ने के रस में भी बनाते हैं। चलिए ये तैयार हो गए, इसमें आप डाल सकते हैं ऊपर से इलायची और अपने पसंद की ढेर सारी ड्राई फ्रूट्स। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मैं मिलूंगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी छठ टू यू ऑल।